हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपको फिर से एक डबल कलर के स्वेटर डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है ये। तो मैंने देखिए इसे डबल कलर में बनाया है, आप कलर अपने हिसाब से रखिए। ये देखिए हमारी बैक साइड और ये देखिए हमारी राइट साइड। और देखिए 3+1, 3+1, 3+1 इस प्रकार से हमारी ये डिज़ाइन जो है वो बनी हुई है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगती है बनने के बाद। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई करो, बच्चों के स्वेटर में, लेडीज़ बेबी बॉय बेबी गर्ल, जो लेडीज़ ब्लाउज बनता है उस पर भी आप इस डिज़ाइन को अप्लाई करोगे तब भी अच्छा लगेगा। तो आइए इस डिज़ाइन को बनाना हम शुरू करते हैं। तो देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड सीधे की तरफ से हम अपने डिज़ाइन को शुरू करेंगे। राइट साइड सीधे की तरफ से हम पहले अपना कलर लगा लेंगे, पहली सिलाई राइट साइड। और जैसे ही हम लगाएंगे वैसे ही अपने कलर को चेंज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कलर हमने लगा लिया। अब ये देखिए 2, 3, ध्यान से देखिएगा, 3 फंदे हम बुनेंगे, 1 हम स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा बुनेंगे, 1, 2, 3, 1 हम स्लिप करेंगे, फिर से 3 बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर से हम एक स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, फिर से हम एक स्लिप करेंगे। ये लास्ट के फंदे आप ऐसे ही बुन लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो हमने फंदे हैं इसे हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, और धागे को पीछे करेंगे और इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से जो 3 फंदा हम उधर से बुने रहेंगे सीधा, इधर से भी हम सीधा बुनेंगे, धागे को आगे करेंगे और जो उधर से उतारे हैं फंदे इधर भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से धागा पीछे, 1, 2, 3, धागा आगे, इसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 1, 2, 3, धागा आगे, ये स्लिप किया, धागा पीछे, 1, 2, 3, हो गया। अब ये देखिए 2 सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, 1 कलर से 2 सिलाई, 1 कलर से 2 सिलाई हमारी बनेगी। अब देखिए, यही यहाँ हमको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? अब ये जो 3 फंदा हम बुने हैं इसे हमें 4 फंदे करने हैं। देखिए 1, 2, 3, 1, 4, 4 फंदे बुन लिए। अब देखिए ये इसे हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, फिर से 4 बुनेंगे, 1, 2, 3, ये सिर्फ हमें देखिए यही इतना हमको चेंज करना है। यहाँ पे यहाँ तो हम स्लिप नहीं कर सकते, तो ये वाले फंदे इधर जाएंगे और ये वाले इधर। तो देखिए पहले हम 4 करेंगे, बाकी फिर 3-3 ही करेंगे। ये पहले देखिए हम स्लिप कर ले, फिर 3 बुनेंगे, 1, 2, इसको लेके 3, फिर से 1 स्लिप कर लेंगे, 1, 2, 3, लास्ट के भी आप ऐसे ही बुनो। ये देखिए उल्टे की तरफ भी हम वैसे ही बनाएंगे, जो जैसे बुना है वैसे ही बुन लेंगे। जो स्लिप वाला फंदा है उसे हम स्लिप कर लेंगे, बुना वाले फंदे को हम बुन लेंगे। ये सीधा धागा आगे, स्लिप, धागा पीछे, सीधा धागा आगे, स्लिप, धागा पीछे, सीधा धागा आगे, स्लिप, धागा पीछे, सीधा, हो गया। तो यही 4th रो हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। देखिए आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक कलर से जब बनाओगे तो ये 4 फंदे बनेंगे। अब इस बार फिर से जब आप ये कलर लगाओगे तो ये 3 ही फंदे बुनेंगे, इसे हम स्लिप कर लेंगे, फिर 3 बुनेंगे, इसे हम स्लिप कर लेंगे। बस इतना ही आपको ध्यान देना है और यही रो हम बार बार रिपीट करेंगे, यही 4th रो बार बार रिपीट करेंगे, तो ये वाला पैटर्न हमारा कंप्लीट होगा। देखिए कितने खूबसूरत पैटर्न है ये।
तो फ्रेंड्स आप इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाइए और हमारे साथ शेयर करिए कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।